नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट। मैं विज्ञान प्रकाश। कुछ भी कहने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप लगातार देख रहे हैं पठानकोट में क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले पाकिस्तान को लेकर क्या भाषा बोलते थे। एक दो स्टेटमेंट्स हैं मेरे पास नरेंद्र मोदी के सन 2013 के। 2014 में तो वो चुनाव का कैंपेन कर रहे थे प्रधानमंत्री बनने के लिए। जरा सुनिए, पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद करो, ये थी नरेंद्र मोदी की भाषा। पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब दो, तब तक पाकिस्तान ठिकाने नहीं आएगा। आतंकवाद और आतंकवादियों को जो भाषा समझ में आए उसी में जवाब देना, ये नरेंद्र मोदी कहते थे देश के प्राइम मिनिस्टर जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे। वापस दोहरा रहा हूं ये स्टेटमेंट, जरा ध्यान से सुनिएगा। नरेंद्र मोदी क्या भाषा बोलते थे। अब जाते वो नवाज शरीफ के यहां न्योते पर उनके पारिवार, पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद करो, पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब दो, तब तक पाकिस्तान ठिकाने नहीं आएगा। आतंकवाद और आतंकवादियों को जो भाषा समझ में आए उसी में जवाब देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी, अब आप कौन सी भाषा में जवाब दे रहे हैं? हवाई जहाज घुमा के नवाज शरीफ के यहां जाकर नतीजा क्या निकल कर आ रहा है हम देख रहे हैं। पठानकोट की घटना और ऊपर से उस घटना की स्थिति क्या है ये जाने हुए सरकार के मंत्री क्या क्या ट्वीट करते हैं, देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह, और उसके बाद उसको वापस लेते हैं। सबसे पहले इस पर आप रिपोर्ट देखिए। लेकिन याद रखिएगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या बोलते थे, पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद करो। पहले आप देखिए सरकार की तरफ से इस पठानकोट की स्थिति पे क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं मंत्रियों से सरकार के। देश की सुरक्षा की कीमत एक बार फिर बहादुरों की जान से चुकानी पड़ी। इस हमले को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या सुरक्षा एजेंसीज ने बीते साल जुलाई में हुए दीनानगर हमले से कोई सबक नहीं लिया और चूक दर चूक होती गई। आतंकवादियों की कॉल डिटेल से पता चला है कि कम से कम दो आतंकी 31 दिसंबर से पहले ही पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में दाखिल हो चुके थे। तो पठानकोट के सराक से एक बात बिल्कुल साफ है कि जुलाई से जनवरी तक का साल बदला है या हाल ही नहीं बदला है। सुरक्षा में चूक किसी एक स्तर पर नहीं बल्कि कई स्तरों पर सामने आई है। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसीज के आपसी तालमेल की सुधार की काफी गुंजाइश आज भी नजर आती है, चाहे वो सरहद पार से आतंकियों के दाखले का मसला हो या फिर अपने ही अगवा हुए एसपी की बात को गंभीरता से संजीदगी से नहीं लेने की लापरवाही हो। पिछली बार जब दीनानगर पर हमला हुआ तो आतंकी बेमियाल के इस इलाके से दाखिल हुए जहां रावी दारिया अपना रास्ता बदलती है और कई जगहों पर बाढ़ टूटी है या फिर है ही नहीं। वही पंजाब सरकार ने भी कोई सबक नहीं लिया और सरहद से गुरदासपुर पठानकोट के रास्ते में कहीं भी सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं किए गए। ऊपर से जब एसपी सलविंदर सिंह ने अपने अगवा होने की बात कही तो उसके बावजूद 10-12 घंटे तक उनकी बात को संजीदगी से नहीं लिया गया। एसपी के बावर्ची के बयानों की भी अनदेखी हुई। सबसे बड़ी बात यह रही कि आतंकी हमले की पूर्व सूचना के बावजूद एयरफोर्स स्टेशन में घुसपैठ के संभावित जगहों पर सुरक्षा दुरुस्त नहीं की जा सकी ताकि आतंकियों के दाखिल होने से उन्हें रोका जा सके। हमारे साथ जीवल नरसिम्हा राव साहब मौजूद है जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। जीवल नरसिम्हा राव साहब, ये किस तरह का, अंग्रेजी में जैसे हम कहेंगे आपके मिनिस्टर्स का गूफ अप है। होम मिनिस्टर ट्विटर पर कहते हैं, बाद में उसको हटाया जाता है कि साहब ये ऑपरेशन खत्म हो गया, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि ना सिर्फ ये ऑपरेशन चालू है, आप लोगों को अभी भी पता करना है कि कहां कहां स्थानीय स्थिति में लोकेशन है आतंकवादियों की। इतना बड़ा गड़बड़ देश के होम मिनिस्टर से।
अभिज्ञान जी, जी सर, मुझे लगता है आपके जो कमेंट है जी, उससे स्थिति थोड़ी अलग है। क्या? मैं आपको यहाँ करेक्ट करना चाहूंगा। बताइए। क्योंकि ये जो एयरफोर्स पठानकोट की एयरफोर्स बेस है, हाँ? ये कोई छोटी बिल्डिंग नहीं है, छोटी कंपाउंड नहीं है, ये बहुत बड़ी एरिया में फैला हुआ है और इसकी केवल सर्कम्फरेंस पेरीमीटर 24 किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। हाँ? तो इसलिए ये कहना, और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी और उसकी उपयोग करते हुए पूरी तरह हमने किसी प्रकार की डैमेज होने से हमने कंट्रोल किया है। हमें इस बात का दुख है कि हमारी सुरक्षा कर्मियों के साथ सर, दो जनवरी को प्रधानमंत्री का ट्वीट है, 2 जनवरी को अरुण जेटली का ट्वीट है, 2 जनवरी को मनोहर पारिकर का ट्वीट है, 2 जनवरी को राजनाथ सिंह का ट्वीट है। सब लोग लगातार इस भाषा में, सबको पढ़कर आपको सुनाऊंगा कि वहां का एयरबेस कितना बड़ा है, उसका सर्कम्फ्रेंस कितना बड़ा है। ये लोगों को नई बात जानने की जरूरत नहीं है। सारे ट्वीट्स में ये कहा जा रहा है साहब, हाईली कमेंडेबल, हाईली कमेंडेबल। और उसके बाद नतीजा ये पता चलता है कि ये ऑपरेशन तो अभी समाप्त ही नहीं हुआ है। इस स्तर पर बैठे मिनिस्टर्स के पास ये इंफॉर्मेशन आती है? प्राइम मिनिस्टर अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अभिज्ञान जी, जी, जो मेन जो फाइट था, हाँ? जो बैटल था, वो उसी दिन खत्म हो गया। बट हाँ? लेकिन जो कोमबिंब ऑपरेशन जो थी, और जिस प्रकार वहां सैनिटाइज करने के लिए छप्पे छप्पे जो चेक करने के लिए जो स्थिति थी, हाँ? उसमें वाकई समय लगा है। हाँ? बट लेकिन हमें एक्चुअली लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। हाँ? जो उनकी मकसद क्या था, जो आतंकी वहां आए थे, उनकी मकसद क्या था, क्या उसके मकसद से? नहीं, सुन लीजिए, आप पॉजिटिव साइड देखिए, मुझे कोई एतराज नहीं है पॉजिटिव साइड देखने में। हकीकत यहां पर यह है कि जिसको आप कह रहे हैं कि मेन ऑपरेशन समाप्त हो गया था, दुनिया भर से समाचार आ रहे हैं इस मसले पर, बिल्कुल स्पष्ट है कि आप तो ये तक पता कर रहे थे भाई आसपास के इलाकों में तो नहीं है किन्हीं जंगलों में और आतंकवादी। इसको आप ऑपरेशन खत्म होना कैसे कह सकते? एक मिनट, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, एक मिनट सुनिए और थोड़ा सा समय दीजिए ताकि सब लोग सुने राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं। आई कॉन्ग्रेचुलेट आर आर्म फोर्सेज एंड अदर सिक्योरिटी फोर्सेज ऑन सक्सेसफुली न्यूट्रलाइजिंग ऑल द 5 टेररिस्ट इन पठानकोट ऑपरेशन। मैं अपने आर्म्ड फोर्सेस को और बाकी सुरक्षा एजेंसियों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। ये कह रहे थे राजनाथ सिंह कि उन्होंने सफलता के साथ 5 आतंकवादियों के पठानकोट ऑपरेशन को उनको हटाया, मारा, सफलता हासिल की। ये वो 2 जनवरी को बता चुके थे राजनाथ सिंह जी। उसके बाद उनको हटाना पड़ा इस ट्विटर को। बताइए, देश में अगर सरकार के इन वरिष्ठ मंत्रियों के पास जानकारी नहीं है तो फिर ये इंफॉर्मेशन और जानकारी किसके पास आएगी, कहां से आएगी सर? अभिज्ञान जी, ये मेजर पार्ट ऑफ द ऑपरेशन उसी दिन, हाँ? 2 तारीख को ही उसको पूरी तरह उनको खत्म कर दिया गया। और उसी दिन जो मकसद से वो लोग आए थे पूरे एयरफोर्स बेस को खत्म करने के लिए, हाँ? वो पूरे एक्चुअली एक बड़ा हमारे लिए नुकसानदायक साबित होता, उसमें बिल्कुल नाकामयाब साबित हुए। हाँ? 26/11 की तरह आप देख सकते हैं, इतने ही लोग 26/11 में भी आकर के किस प्रकार की आतंक मचाए थे। तो यहां जो मेन टारगेट था उनका, एयरफोर्स बेस की एसेट्स को, हेलीकॉप्टर्स को, वॉर हेलीकॉप्टर्स को, वॉर प्लेन्स को, मिग प्लेन्स को नष्ट करना, हजारों करोड़ों की नष्ट करना, ये उनकी मकसद था। उससे कामयाब नहीं हो सके। और जैसे ही वो जानकारी मिला, हाँ? 1 तारीख को ही एनएचजी को रवाना कर दिया गया। हाँ? 1 तारीख को ही वहां सारे दुकानें 4 बजे तक शाम को बंद कर दिए गए। तो कहीं भी किसी प्रकार की एक्शन लेने में डिले नहीं हुआ है। बट लेकिन ये सुरक्षा बलों के लिए भी एक बड़ी चैलेंज है। हाँ? क्योंकि ये ऑपरेशन एट द ग्राउंड लेवल, मंत्री, हाँ? जाकर नहीं लड़ते हैं।
हाँ, सरकार के अधिकारी आपके पास इंटेलिजेंस का इनपुट है? एक मिनट जीवियल साहब, आप खुद इस बात को मान रहे हैं कि आपके पास इंटेलिजेंस का इनपुट है, वहां का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वहां पर जो सुरक्षा का इंतजाम है, वो एक एसपी के अगवा होने के बाद 12 घंटे तक उस मैसेज को, उस संदेश को नजरअंदाज करता है कि ये किस तरह की सिचुएशन इसके नहीं, एक मिनट जीवियल साहब, आप ये थ्योरी समझा रहे हैं कि अरे आप देखिए ना इसका पॉजिटिव साइड, अरे पॉजिटिव साइड जरूर देखिए हम, नहीं, लेकिन नहीं, जो हुआ है उसको नजरअंदाज करके देखिए। एक एसपी किडनैप हो रहा है, वो कह रहा है उसकी व्हीकल का इस्तेमाल हो रहा है, उसके तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बावर्ची से मैसेज आ रहा है, सब बैठ के उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन अभिज्ञान जी, इंटेलिजेंस इनपुट जरूर ये था, हाँ? कि उस दिन किसी प्रकार की आतंकवाद की गतिविधियां हो सकती है, कुछ आतंकी वहां। चलिए बताइए उसके बाद क्या हुआ, चलिए आप एक्सप्लेन करिए, आप मुझे बताइए उसके बाद क्या हुआ, अगर ये इनपुट था उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो घटना हुई। यही मैं पूछ रहा हूं सर, ये इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है, एग्जैक्ट आपको पता है कि कहां घुसने वाले हैं, किस इंस्टॉलेशन में घुसने वाले हैं, कौन से कहां पर दरवाजा को या कहां पर गेट ब्रेक करके अंदर घुसेंगे, इतनी स्पेसिफिक नहीं होती इंफॉर्मेशन। तो पूरा उस इलाके में कहीं भी इस प्रकार की घटना घट सकती है, इस प्रकार की जानकारी थी। सर जी, एनएसजी एयरफोर्स स्टेशन की एनएसजी किस फेंस, उसकी जो फेंसिंग है वो कटी हुई मिली है। पठानकोट में मैंने बहुत सारे सेना के बेसिस देखे हैं और ये बड़ा स्पष्ट होता है कि किसी भी जगह में, किसी भी शहर में, किसी भी तरह का कोई इस तरह का बेस होता है सेना का, एयरफोर्स का, उस छोटे शहर में खास तौर पे तो बड़ी स्पष्टता से लोगों को पता होता है कि यहां पर यह है। चलिए मैं एक बार के लिए बड़े शहर की तस्वीर से उसकी तुलना नहीं करता हूं, लोगों को मालूम होता है, हम लोगों ने कितने कार्यक्रम उस तरह की जगहों पर जाके किए हैं। तो इंटेलिजेंस इनपुट से अगर आप ये कह रहे हैं कि ठीक है आपको ये नहीं पता कौन सा दरवाजा, कौन सी खिड़की, लेकिन आपको ये तो पता है कि अगर ये इलाका है तो इसमें सुरक्षित रहने के लिए ये वो जगह है जिसको ज्यादा महफूज रखने की जरूरत है, ये तो बड़े कॉमन सेंस की बात है। इसी के कारण हमारी कोई स्ट्रेटेजिक एसेट्स को, हमारी कोई प्लेन्स को, हमारी कोई हेलीकॉप्टर्स को वो टेक्निकल एरिया में नहीं घुस पाए, यही एक केयर के कारण। एनएसजी बहुत समय पर, सही समय पर पहले दिन ही वहां पहुंच गई थी एनएसजी और वहां अलर्ट जारी था। बट लेकिन एक ग्राउंड सिचुएशन में जो सुरक्षा बलों के लिए जो चैलेंजेस हैं, ये हम इतने आसानी से शायद नहीं समझ पाते हैं। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, हम मीडिया में रहते हुए जी, बताइए, और हमसे भी थोड़ी थोड़ी रिपोर्टिंग एरर हो जाती है नहीं हो जाती है? हाँ, बिल्कुल, छोटी खबर आने में ही कभी कभी हो जाती है। तो इसलिए यदि कहीं किसी प्रकार की, हमें नहीं लगता है, हमें लगता है सुरक्षा बलों ने बहुत बहादुरी से इस काम को अंजाम दिया है, कोई सुरक्षा देश, मैं आपको तुरंत टोक दूंगा, कोई सुरक्षा बलों की बहादुरी उनके बलिदान पर प्रश्न नहीं उठा रहा है, इसलिए आप बिल्कुल इस विषय को पर मत आइए। सुरक्षा बलों की बहादुरी, उनका बलिदान इस हिंदुस्तान मुल्क में मेरे जैसे लोगों के लिए सर आंखों पर हमेशा रहेगा। मैं यहां पर सवाल आपसे लगातार पूछ रहा हूं सिस्टम का, क्या आप फिर मुझे ये बता रहे हैं कि 2 जनवरी को नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, मनोहर पर्रिकर जो ट्वीट करते हैं वो ट्वीट तथ्यों के आधार पर सही थे? तथ्यों के आधार पर सही थे, क्योंकि आपने कहा कि एक बड़ा हिस्सा जीता जा चुका था इस जंग का, क्या वो तथ्यों के आधार पर सही थे? आपकी अभिज्ञान जी, आपकी आप मंत्रियों के पास जानकारी कहां से मिलती है? क्या मंत्री खुद ग्राउंड लेवल पर मौजूद रहते हैं? नहीं, ये तो सुरक्षा बलों की, उनकी हेडक्वार्टर्स के द्वारा, बीएसएफ द्वारा, एनएसजी द्वारा जो खबर आती है, आईएएफ के द्वारा, यही मंत्री के पास उपलब्ध होता है। तो इसलिए वो इंफॉर्मेशन भी डायनामिक है। उस दिन, उस शाम तक उनके पास जो ये जानकारी थी उसके आधार पर क्या जनता को और देश को ये बताना
क्या गलत काम है? तो इसलिए आप सवाल सरकार पर नहीं उठा रहे, आप निशाना सरकार पर कर रहे हैं, बट लेकिन आप जो भी पॉइंट कर रहे हैं वो एक तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर है, क्योंकि जानकारी केवल उनके पास है, ग्राउंड लेवल पे फाइट वो कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी सुरक्षा बलों की है, सरकार की यहां मंत्री यहां बैठ के तय नहीं करते हैं ग्राउंड लेवल पर। तो एक ओवरऑल पॉलिसी, एक ओवरऑल गाइडेंस, एक ओवरऑल डायरेक्शन सेंटर से दिया जा सकता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर यह होता है। हमारे विचार से यह बहुत अच्छे तरीके से ऐसे कई घटना में इन द पास्ट देखा है कि पूरी तरह फोर्सेस, एयरफोर्स बेसिस को, नेवल बेसिस को ध्वंस कर दिया गया था विश्व में। तो हमारे सुरक्षा बलों की उनकी बहादुरी के कारण बड़े नष्ट होने से हम बच गए, बट लेकिन इसमें सुरक्षा कर्मी उनके बलिदान दिए, उसका बहुत दुख है। और ये रिव्यू हर इस तरह के घटना के बाद सुरक्षा बल खुद आकलन करते हैं, तो खुद पूरी तैयारी करते हैं। तो इसलिए हम जब ऑपरेशन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, हम उनके ऊपर इस प्रकार का प्रश्न ना उठाएं, ये हमारी अपील है। उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा रहा है, तो मैं ये आपको बीसियों बार क्लैरिफाई कर दूं कि उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पठानकोट की इस घटना को हैंडल करने में सरकार और तंत्र की तरफ से गूफ अप्स, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं गड़बड़ियां हुई हैं। आप अपना पक्ष रखिए, आपको पूरा समय दिया मैंने अपना पक्ष रखने का, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये गड़बड़ियां हुई है। वक्त मेरे लिए एक ब्रेक का, उसके बाद मैं फिर आपको एक बार वो जरा नरेंद्र मोदी जी का आपको स्टेटमेंट सुनाता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो वो पाकिस्तान के लिए क्या कहते थे, जरा फिर से सुनिए साहब ये, और बार बार आज इस कार्यक्रम में सुनाता रहूंगा, पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद करो। यो ये 2013 में नरेंद्र मोदी कह रहे थे, पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब दो। ये 2013 में नरेंद्र मोदी की भाषा थी, तब तक पाकिस्तान ठिकाने नहीं आएगा, ये 2013 में उनकी भाषा थी। आतंकवाद और आतंकवादियों को जो भाषा समझ में आए उसी में जवाब देना पड़ेगा। अब मैं ले रहा हूं यहां पर ब्रेक, और उसके बाद हम प्रश्न उठाएंगे नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी पर, पाकिस्तान के साथ उनकी नीति क्या है। भाषा ये वो बोलते थे 2013 में, अब वो हवाई जहाज घुमा के चले जाते हैं पारिवारिक कार्यक्रम में नवाज शरीफ के। उनकी विदेश मंत्री जो है वो उससे पहले इस्लामाबाद में जाकर कहती हैं कि हाँ समग्र वार्ता जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जो पहले बंद थी अब वो चालू होगी। उनको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि 550 के करीब घटनाएं हैं युद्ध विराम तोड़े जाने की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच। अब नरेंद्र मोदी ये वाली भाषा क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब नरेंद्र मोदी खुद कौन सा लव लेटर लेकर जा रहे हैं नवाज शरीफ के पास? ये भाषा उनकी है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये मेरे शब्द नहीं है। पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद करो। मोदी जी अब बताइए कि कौन फिर इस तरह की घटना जो पठानकोट में हुई है उसके लिए जिम्मेदार है? ये आतंकवादी घटना है, मैं कहीं नहीं जाइएगा, मैं वापस आ रहा हूं एक ब्रेक के बाद।